फॉर्मूला लागू किया गया था जो बेहद सफल रहा। दिल्ली के लोगों ने उसको वॉलंटरली फॉलो किया। उस वक्त ट्रैफिक का कंजेशन बहुत कम हो गया था दिल्ली के अंदर, पॉल्यूशन में भी कमी आई थी और तब से एक लगातार डिमांड आ रही थी कि इसको दोबारा लागू किया जाए, दोबारा लागू किया जाए। हम जनता का की राय जानना चाहते थे कि जनता को क्या लगता है, क्योंकि 1 से 15 जनवरी वाला भी सफल इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने दिसंबर के महीने में जनता के साथ एंगेज किया, जनता को समझाया, जनता को साथ लिया, तो जनता ने साथ दिया। बिना जनता की मर्जी के हम नहीं करना चाहते थे। तो अभी पिछले 15-20 दिनों के अंदर जनता की राय ली गई है। ये जनता की राय कई तरीके से ली गई, वेबसाइट के जरिए ली गई। दिल्ली के अंदर 276 मोहल्ला सभाएं हुई अलग अलग इलाकों में। मोहल्ला सभाओं में SDM थे, लोकल MLA थे, जनता इकट्ठी हुई, वहां पे जनता की राय ली गई। मिस्ड कॉल के जरिए जनता की राय ली गई, IVR के जरिए जनता की राय ली गई और ईमेल के जरिए जनता की राय ली गई। इसमें जो डेटा निकल के आया, 276 मोहल्ला सभाओं में से 275 महिला मोहल्ला सभाओं ने कहा है कि ऑड इवन लागू होना चाहिए। विश्वास नगर की एक वार्ड की एक मोहल्ला सभा 225 नंबर वार्ड है जिसमें केवल 15 लोग मौजूद थे, उसमें 8 लोगों ने कहा नहीं होनी चाहिए, 7 लोगों ने कहा होनी चाहिए। तो एक वो मोहल्ला सभा छोड़ के 275 मोहल्ला सभाओं ने कहा ऑड इवन दोबारा लागू होना चाहिए। और ओवरऑल ये सारा डेटा अगर हम कंपाइल करें तो 81% लोगों ने दिल्ली में 81% लोगों ने कहा है कि ऑड इवन दोबारा लागू होना चाहिए। इसमें हमारे पास वेबसाइट के ऊपर 29,076 रिस्पॉन्स आए थे। ये पूरा मैं आप लोगों को बांट देंगे डिटेल डेटा। उसके अलावा मिस्ड कॉल में 113,142 रिस्पॉन्स आए थे और IVR में 215,538 रिस्पॉन्स थे वैलिड और 9,574 ईमेल्स आई थी। तो जैसा मैंने कहा 81% लोगों ने ओवरऑल कहा कि ऑड इवन दोबारा लागू किया जाए, 19% लोगों ने कहा कि नहीं लागू किया जाना चाहिए। किस तारीख से लागू किया जाना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर 53% लोगों ने कहा 14 फरवरी से कीजिए, 18% लोगों ने कहा 1 मार्च से कीजिए, 19% लोगों ने कहा 1 अप्रैल से कीजिए। वेबसाइट के ऊपर इनसे पूछा कि क्या एग्जाम के पीरियड में करना चाहिए, तो 53% लोगों ने कहा नहीं करना चाहिए। इस बार कितने दिनों के लिए करना चाहिए, तो वेबसाइट पे लोगों ने कहा 63% लोगों ने कहा परमानेंट करना चाहिए और 26% लोगों ने कहा 15 दिन हर महीने कर दीजिए। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर ये किया जाता है तो क्या आप दूसरी कार खरीदेंगे, तो 23,000 लोगों में से 1,800 लोगों ने कहा कि हाँ दूसरी कार खरीदेंगे और 21,000 लोगों ने कहा कि दूसरी कार नहीं खरीदेंगे। 92% लोगों ने कहा दूसरी कार नहीं खरीदेंगे, 8% लोगों ने कहा खरीदेंगे। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के फिर अलग अलग हैं कि किसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए किसको एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ये निकल के आ रहा है कि सबका कहना है VIPs को एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मोहल्ला सभाओं में भी उनसे पूछा गया कौन सी तारीख से करना चाहिए, तो 72% 201 मोहल्ला सभाओं ने कहा कि 14 फरवरी से करना चाहिए और 55 मोहल्ला सभाओं ने कहा 1 अप्रैल से करना चाहिए। एग्जाम में करना चाहिए कि नहीं, तो 70% लोगों ने कहा एग्जाम में नहीं करना चाहिए। मैंने MLA से भी बात की थी और मनीष और गोपाल रहे का भी अपनी अपनी मोहल्ला सभा का रिस्पॉन्स था कि एग्जाम को लेकर लोग सेंसिटिव थे कि एग्जाम के पीरियड में ऑड इवन लागू नहीं होना चाहिए। कब तक करना चाहिए, तो 267 मोहल्ला सभाओं ने कहा कि परमानेंट होना चाहिए। मोहल्ला सभाओं में भी पूछा गया कि दूसरी कार खरीदेंगे क्या, तो 4 मोहल्ला सभाओं में
लोगों के रिस्पॉन्स आए कि खरीदेंगे, लेकिन 272 मोहल्ला सभाओं में उन्होंने कहा कि नहीं खरीदेंगे। यहाँ भी बड़े ओवरवेलमिंगली लोगों ने कहा कि वीआईपीज को एग्जेम्प्ट करना, वीआईपीज का एग्जेम्पशन विड्रॉ करना चाहिए। उसके अलावा ईमेल के ऊपर हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आए हैं। इन सारे रिस्पॉन्स को देखते हुए एक दो चीज जो कि परमानेंट बेसिस पे हम इसको तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक ना हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक होना बहुत जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब बसें, बसों की अवेलेबिलिटी, हर कैटेगरी की प्रीमियम बसें भी, इकोनॉमी बसें भी। बसों को दिल्ली सरकार खरीद रही है, हमें उम्मीद है कि शायद मई तक 1000 बसें आ जाएंगी, अगस्त तक और 1000 बसें आ जाएंगी और दिसंबर तक और 1000, तो दिसंबर के एंड तक हमारे पास 3000 बसेस होंगी एक्स्ट्रा, और फिर वो जारी रहेगा अगले साल भी बसों का खरीदने का सिलसिला। इसके अलावा बीआरटी, एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर बनाने की चर्चा की जा रही है कि अभी तो बीआरटी कॉरिडोर सड़क नीचे था, उसकी वजह से तकलीफ थी, अब एलिवेटेड रोड बनाई जाएंगी जो केवल जिसपे केवल 2 मंजिला होंगी, एक पे गाड़ियां चलेंगी और दूसरे के ऊपर बसेस चलेंगी। तो जिसपे केवल बसें चलेंगी तो आप समझ सकते हैं जैसे आज मेट्रो चलती है तो मेट्रो ऊपर चलती है, आप कह सकते हैं कि राजीव चौक से मंडी हाउस आप फ्लैट 7 मिनट में पहुंच जाएंगे, 8 मिनट में पहुंच जाएंगे, आप कह सकते हैं। उसी तरह से जब ऊपर केवल बसें चलेंगी तो उसपे जैसे आज मेट्रो स्टेशन है उस पर बस स्टेशन होंगे, तो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली तो जब सर्टेनिटी होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी और कंफर्टेबल जर्नी होगी तो हमें उम्मीद है कि काफी लोग कार छोड़ के और बसेस की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक इसको परमानेंट नहीं किया जा सकता, हालांकि लोगों की सहमति, लोगों की वो आ रही है कि इसको परमानेंट किया जाए। दूसरा, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि टू व्हीलर्स को क्यों नहीं इसमें करते। टू व्हीलर्स की भी वही प्रॉब्लम है जो पिछला 1 जनवरी से 15 जनवरी का हुआ था, उसमें ये निकल के आया कि जिन लोगों ने गाड़ियां छोड़ी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ऑडियम की वजह से जनवरी के महीने में मेट्रो की राइडरशिप केवल 0.4% बढ़ी और बसों की राइडरशिप केवल 7% बढ़ी। लेकिन अगर हम तो इसका मतलब जिन लोगों ने गाड़ियां छोड़ी वो उन्होंने कार पूलिंग की, लेकिन अगर हम टू व्हीलर्स को इसको टू व्हीलर्स पे लागू करेंगे तो टू व्हीलर्स लगभग 30-40 लाख टू व्हीलर है, तो 15-20 लाख लोग वो सीधे मेट्रो और बसों के ऊपर आ जाएंगे। अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको डील करने की, अफरा तफरी मच जाएगी, उसको बंद करना पड़ेगा। तो जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होता तब तक टू व्हीलर्स को इसके दायरे में नहीं लाया जा सकता। तो अगला फेज हम लोग 15 अप्रैल से चालू कर रहे हैं। 15 अप्रैल का कारण है कि 12 अप्रैल को बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, लार्जली खत्म हो रहे हैं। एक एग्जाम 22 अप्रैल को भी है पर वो बहुत माइनर सा छोटा सा है। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अगला फेज 15 दिन का चालू कर रहे हैं। उसके बाद एक ये आइडिया सीरियसली कंसिडर हो रहा है कि ये इसके फेज के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन इसके ऊपर सीरियसली चर्चा हो रही है कि क्या हर महीने 15-15 दिन के लिए इसको किया जा सकता है। उसके ऊपर अभी डिसाइड नहीं हुआ है तो इसको फाइनल ना माना जाए। ये दूसरे फेज के ट्रायल के बाद ये किया जाएगा। उसके फेवर में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि एक एक हर महीने में मान लीजिए 15-15 दिन किया जाता है तो उससे एक महीने के अंदर एक तरह से एक आदमी को 6 दिन की तकलीफ होती है, मैक्सिमम 6 या 7 दिन की तकलीफ होती है। उसका ऑड व्हीकल है तो 6 दिन उसको वो व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या इवन व्हीकल है तो 6 दिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर दिल्ली के लोग साथ देते हैं तो 6 दिन अगर एक महीने में तकलीफ करके और हमें हर महीने 15 दिन की सहूलियत मिले तो ये सोचा जा सकता है अप्रैल के महीने के बाद इसको ट्रायल करके। लेकिन इसके ऊपर अभी चर्चा है, ये फाइनल नहीं है। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का अगला फेज होगा। एग्जेम्पशंस कौन कौन सी होंगी इसके ऊपर अभी भी चर्चा है, जैसे जैसे फाइनल होती जाएंगी हम आप लोगों को। हाँ, महिला वाली एग्जेम्पशन रहेगी, महिलाओं को एग्जेम्पशन रहेगी। हाँ, एनफोर्समेंट का
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिछली बार हमने अपने सारे एसडीएम को, सारे तहसीलदारों को इसके एनफोर्समेंट में लगाया था, जिसकी वजह से हम 15 दिनों में एसडीएम के दफ्तर के अंदर काम रुक गया था। इसको अब अगर हम करेंगे तो ये नहीं किया जा सकता, एसडीएम के दफ्तर का काम चलना चाहिए। तो लगभग 500 रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल को एम्प्लॉय किया जा रहा है एज ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, ट्रैफिक एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स के तौर पे इनको रिक्रूट किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक उनका रिक्रूटमेंट पूरा हो जाएगा और उनका ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और 250 के करीब एनफोर्समेंट की टीम्स इन डिफेंस वालों की लीडरशिप में बनाई जाएगी, जो कि तो इस बार एसडीएम को उसको उतारा जाएगा, रिटायर्ड डिफेंस वाले इसका एनफोर्समेंट करेंगे। सर हम वीआईपी से निवेदन करेंगे, आप लोग हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि हम झगड़ा करते हैं, तो हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम एग्जेम्पशन तो जारी रखेंगे, लेकिन जैसे चीफ जस्टिस ने ऑफ इंडिया ने वॉलंटियरली इसको फॉलो किया और उससे बहुत लोगों को एक उत्साह मिला, जजेस ने फॉलो किया, हाईकोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेस ने, तो उसके ऊपर तो झगड़ा हुआ था, तो साइकिल चलाई कई जजेस ने, तो हम चाहते हैं कि वो वॉलंटियरली जितने ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें तो उससे अच्छा इंस्पिरेशन उसके ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ उसके ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी फाइनल करके बताएंगे। हाँ बसेस बढ़ाई जाएंगी सर, हाँ जी इसको चलान कर, वो जैसे ट्रैफिक एनफोर्समेंट की जो हमारी टीम है उनको चलान करने की पहले से ही ट्रैफिक एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट पावर है, वो मैंने बताया कि उस पर चर्चा करके अभी डिसाइड नहीं। आप पिछली बार स्कूल की छुट्टी करके ये लागू कराया, तो स्कूल की बसें कैसे लगाई जाएंगी, स्कूल के डिपार्टमेंट में बसें बहुत कम दी प्राइवेट जो बसेस हैं उनको लेंगे। अरे मैं मोहित हूँ एनआईए से, सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग फेज पे तैयारी आपने कर ली है, लेकिन स्कूल का सवाल ज्यादा गंभीर है क्योंकि पिछली बार बसेस नहीं दी गई थी, बसेस कहाँ से और कैसे कैसे लाई जा रही है? प्राइवेट बसेस हैं वो 5,500 प्राइवेट कंट्रैक्ट कैरिज की बसें हैं, ठीक है, उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही है। केवल स्कूल की 300 बसें आई थी और वो बसों को हम इस बार नहीं लेंगे, स्कूल को जैसे चलना है चलेंगे, प्राइवेट कंट्रैक्ट कैरेज की बसों को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ हम जो पर्यावरण बस सेवा है उसको हम उसी को जो है कंटिन्यू रखेंगे, उन 5,500 बसों में से हम उनको अभी अभी जो खबर आई है हनुमंतप्पा जी की का निधन हो गया, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ अंतिम समय में संघर्ष किया, उनकी बहादुरी को हम सब लोग सलाम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे इस समय उसको बर्दाश्त करने की। हम लोग सीधे उधर की तरफ से उधर ही जा रहे हैं।